हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्थ में, जहां आप पाते हैं मेडिकल तथा मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एक हार्मोनल मेडिसिन के बारे में, जिसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन में मौजूद हैं, साइप्रोटेरोन और इथिनाइल एस्ट्रोडियोल। वीडियो में इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, वह जानेंगे इसके अदर ब्रांड नेम, क्या इस टैबलेट के यूज़ रहते हैं, कैसे ये टैबलेट वर्क करती है, इसको यूज़ करने के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट, कौन इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकता है, वह और भी अदर इम्पोर्टेंट जानकारी इस टैबलेट के बारे में। तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन में मौजूद यह टैबलेट डाइने 35 ब्रांड नेम से मौजूद है। इसमें कॉम्बिनेशन में साइप्रोटेरोन 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। साइप्रोटेरोन स्टेरॉयडल एंटी एड्रोजेनिक क्लास की मेडिसिन है, और वहीं इथिनाइल एस्ट्रेडियोल 0.035 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में पाई जाती है, और इथिनाइल एस्ट्रेडियोल एस्ट्रोजन क्लास की मेडिसिन है। डाइनेट टैबलेट के अलावा यह टैबलेट अदर ब्रांड नेम जैसे माइपिल, हेयर फेस, एलिस्ट्रा जैसे ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, जिनमें कंपोजिशन डाइनेट टैबलेट के ही समान होता है। डाइनेट टैबलेट प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली टैबलेट है, यानी विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यह टैबलेट नहीं ली जा सकती है। अब बात करते हैं उन कंडीशन के बारे में जब डाइनेट टैबलेट का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन है एंड्रोजेनेशन। एंड्रोजेनेशन एक कंडीशन है जब एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन जो मेल में डेवलप करता है, मेल्स के करेक्टर्स को जैसे हेयर ग्रोथ, वॉइस चेंज, बट एंड्रोजन की स्मॉल अमाउंट फीमेल में भी मौजूद होती है। अगर यो अमाउंट ज़्यादा होने लग जाए तो फीमेल में भी हेयर ग्रोथ, फेशियल एक्ने, हेयर इन फेस जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में एंड्रोजिनेशन को ट्रीट करने के लिए डाइने टेबलेट का यूज़ किया जाता है। और सेकंड कंडीशन है एमिनोरिया। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मंथ होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस है, बट अगर किसी मंथ पीरियड्स एब्सेंस हो जाए या उसमें एबनॉर्मलिटी रहती है, तो स्पेशली यो कंडीशन उन फीमेल्स में देखी जाती है जिनमें पीरियड्स अभी आना ही शुरू हुआ था। तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए डाइने टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। इस प्रकार फीमेल में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ इन फेस, फेशियल एक्ने, एबनॉर्मलिटी इन पीरियड्स जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डाइने टैबलेट का यूज़ किया जाता है। डाइने टैबलेट में मौजूद साइप्रोटेरोन एंड्रोजन के ओवर प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है ओवरी में, जिससे अनवांटेड हेयर ग्रोथ और एक्ने रिड्यूस होते हैं फीमेल्स में। और टैबलेट में मौजूद एथिनाइल एस्ट्रेडियोल पीरियड्स में आई एबनॉर्मलिटी को ट्रीट करता है, जिससे पीरियड्स रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह टैबलेट कॉम्बिनेशन में वर्क करती है। डाइने टैबलेट को यूज़ करने के बाद नोज़िया, स्टमक पेन, ब्रेस्ट पेन, मूड चेंज और हेडेक जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। डाइने टैबलेट की डोज़
फिजिशियन द्वारा तय की जाती है। डाइने टैबलेट को पर डे आफ्टर फूड लिया जाता है। इसकी डोज फिजिशियन द्वारा बताए गए टाइम पर ही लेनी चाहिए व फिजिशियन द्वारा तय किए गए टाइम पीरियड तक ही डाइने टैबलेट का यूज़ किया जाना चाहिए। यदि इस दौरान कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं जो सीवर लगते हों तो इस दौरान फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी व ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डाइने टैबलेट का यूज़ करना अनसेफ होता है, इसलिए इन दोनों कंडीशन में डाइने टैबलेट का यूज़ करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी डाइने टैबलेट के बारे में, जिसका यूज़ ओनली फीमेल्स में किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।